हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर नंबर 8 है, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन पहले मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है कि जैसे हम वन बाई वन वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपने कोई सी वीडियो नहीं देखी है तो उसके आगे का कंसेप्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी समझ में नहीं आएगा और मैथमेटिक्स पे बहुत मुश्किल लगेगा। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि मैं किस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छी लग भी रही है नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलते हैं कि भाई चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री लिख रखा है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम देखेंगे इस चैप्टर को, यानी इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार सुनते हैं क्लास टेंथ में पहुंच गए कि ट्रिग्नोमेट्री भी आपने देखा भी है। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो कि जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपके साथ में ये बनी रहेगी। मतलब हमारे मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि जब तक हायर लेवल्स पे मैथ पढ़ते रहोगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और हमारा तो ये कहना है कि जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी वही आगे चल करके मैथ पढ़ेंगे, बाकी अगर मैथ पढ़ेंगे भी तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ। तो होता क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत तसल्ली से पढ़ने वाला चैप्टर है, और मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, यानी एक वीडियो में एक से या दो इतने ही कंसेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात यह है कि जैसे ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, यानी ग्रीक के दो वर्ड है जिसको हम कहते हैं ट्रिगोमोन, जिससे भी बनता है एक ट्राइंगल। क्या बनता है? एक ट्राइंगल। और जो मेट्री है उसका मतलब क्या है कि वो मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट, तो ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट से क्या मतलब है कि वहां तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक बनाया यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ऐसा भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि समझने के लिए आपको आना चाहिए। तो इसमें ये एंगल हमने क्या किया कि 90 डिग्री का बना दिया, यानी ये 90 डिग्री का है, इसका नाम डाला ABC। ठीक है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और ABC इसका भी इसी तरीके से नाम डाल सकते हैं। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी क्लास 10th या 11th में भी मान लें, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा। तो ये ट्रायंगल तो बन गया, अब इसमें है तीन साइड्स और तीन एंगल्स, तो ये साइड्स का रेशियो इन एंगल्स के साथ में क्या होगा, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। यानी इन ये साइड्स का रेशियो एंगल के साथ में क्या रिलेशन रखता है, वो हम क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बेटा देखो, जैसे मैथ जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो क्या था कि टीचर ने 1 2 3 4 5 बताया था, ऐसे ही जब ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर है, जब हम अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी भी कुछ कंसेप्ट्स हैं 1 2 3 जैसा ही मान लो। यानी इसके क्या होंगे कि 6 रेशियोज होंगे, ये साइड्स हैं एंगल के साथ में हम रेशियोज लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि 6 रेशियोज होंगे। तो वो 6 रेशियोज बताने से पहले आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल B 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है।
अब एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, लेस देन 90 डिग्री के होंगे। तो यानी एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री, यानी अक्यूट एंगल होगा। किस टाइप का एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा ये। ऐसे ही एंगल ए भी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो ये दो एक्यूट एंगल्स है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर क्या करते हैं, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है थीटा, इस तरीके से लिखा और इसको क्या कहते हैं, थीटा, थीटा से डिनोट किया करते हैं। तो हमने मान लिया कि सी एक एक्यूट एंगल है और ये क्या है कि थीटा के बराबर मान लिया। ठीक है, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में सी या थीटा ईटा नहीं दे रखा है तो आप उसको सी लिख सकते हैं इस मार्कशी से। ठीक है, तो ये थीटा क्या हो गया, एक अक्यूट एंगल हो गया, थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या जाननी है कि द अपोजिट साइड ऑफ द थीटा, द अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल था और इसमें इसको थीटा मान लिया, तो इसके अपोजिट साइड यानी सामने की साइड ये हो गई, तो इसको मैं क्या मानूंगा कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और बच गई जो थर्ड साइड उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, द अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज ऑलवेज कंसीडर एज परपेंडिकुलर। मान लो कि ट्रायंगल और बनाया हमने इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे नाम इसका फिर मैंने ए बी सी डाल लिया, ये 90 डिग्री का, अगर ए को मैंने थीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर फिर क्या होगा, फिर इस केस में परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि अपोजिट साइड ऑफ द थीटा विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड थीटा मस्ट बी ए अक्यूट एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो ही नहीं सकते, वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये बात जो हमने बताई है ये आपको आज तो बताई, बड़ा आसान सी लग रही, लेकिन दो दिन बाद फिर थीटा भूल जाते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से आपने अपने जहन में बसा लेना, ध्यान में रखना, दिमाग में रखना है। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या होता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों को रेशियोज, नंबर 1 लिखा कि साइन, ठीक है, और ये जो थीटा लिखा हुआ है ये थीटा इसके आगे, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा रेशियो क्या होता है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा रेशियो होता है टेन थीटा। ठीक है, और चौथा रेशियो होता है कॉट थीटा, और पांचवा रेशियो होता है सेक थीटा। 6 रेशियो जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये रेशियो जैसे हमारा वो मैथमेटिक्स में 1 2 3 हुआ है, 1 2 3 जो नेचुरल नंबर्स हैं, उसी तरीके से ये जानने बहुत जरूरी हैं और इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो हमने ये 6 रेशियोज आपको बताने हैं और इस वीडियो में इनको सीखना है और इनका कैसे हम यूज करेंगे। तो साइन थीटा होता है हमारा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। मैं किसे देख रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल से बता रहा हूं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है कि बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान में परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपान में बेस, यानी एच अपान में बेस। ठीक है,
और कॉसिक थीटा किसके बराबर होता है, एच बाई पी के बराबर होता है, एच अपान में पी। ठीक है, अब देखो अब ये हम तो दिन भर पढ़ाते हैं तो हमें ये क्या है कि रिमाइंड रहते हैं हमेशा। अब जो फर्स्ट टाइम इनको पढ़ रहा है उसको ये किस टाइप कैसे रिमाइंड होंगे, तो बहुत सारे कोटेशंस हैं कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या बच्चे जानते हैं कि पंडित वो पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारत, ठीक है। तो अब ये कोटेशन आपको लर्न है, ये लर्न किया जा सकता है। तो देखो क्या हुआ कि ये पहले वाला जो हमें दे रखा है ये साइन के लिए दे रखा है, ये कॉस के लिए दे रखा है और ये टेन के लिए दे रखा है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो, ठीक है, और नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि ये कॉट के लिए हो गया, ये सेक के लिए हो गया और ये कॉसेक के लिए हो गया, ठीक है। तो ये छह तो बेसिक फार्मूले हैं, ये सिक्स क्या है, बेसिक फार्मूले हैं। अब इनसे देखो साइन का उल्टा है ये रेसिप्रोकल है, साइन का कॉसेक क्या है, रेसिप्रोकल है, साइन क्या दे रखा पी बाई एच और कॉसेक क्या दे रखा एच बाई पी, ठीक है। तो ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, टेन का रेसिप्रोकल देखो आप कॉट हो गया। अच्छे से देखो यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बी बाई एच दे रखा है और सेक थीटा एच बाई पी दे रखा है, यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। तो इसका मतलब ये कि अगर मेरे मुझे तीन रेशियो पहले लर्न है और मालूम है तो आगे वाले मैं उनका रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि करना इसलिए नहीं कि अगर ये आपको लर्न नहीं है, ये आपको रिमाइंड नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या हुई कि ये सिक्स, पहले पहला पॉइंट तो ये हुआ और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये सिक्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको रिमाइंड रखने ही रखने हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये साइन थीटा किसके बराबर हुआ, ये एक फार्मूला बन गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, विच अप्लाई दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपान में साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, वन अपान में सेक थीटा, विच अप्लाई दैट सेक थीटा किसके बराबर हो गया, वन बाई कॉस थीटा, ठीक है। और हमने क्या देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपान में कॉट थीटा, विच अप्लाई दैट कि कॉट थीटा किसके बराबर हो गया, वन अपान में टेक थीटा, ठीक है। अब एक फार्मूला और भी होता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस इसका रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर से देखो इनको, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, इसको मैं ये भी लिख सकता था दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये परपेंडिकुलर है और वो हाइपोटेन्यूज है। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता था, बी सी अपन में ए सी लिख सकता था, इसको ए बी डिवाइडेड बाई बी सी लिख सकता था, इसको क्या लिख सकता था बी सी डिवाइडेड बाई ए बी लिखा जा सकता था, इसको क्या लिख सकता था ये हाइपोटेन्यूज यानी ए सी डिवाइडेड बाई और बेस है बी सी, और ये क्या लिख सकता थे कि ए सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये अगर दोनों फार्मूले हम वेरीफाई करें तो साइन थीटा किसके बराबर है पी अपान में एच, और कॉस थीटा किसके बराबर है बी अपान में एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा पी अपान में बी आ जाएगा और वो किसके इक्वल होगा टेन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो इस तरीके से एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखो हमारी बुक क्या कहती है, जो एनसीईआरटी बुक है वो कहती है कि थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको आप अपोजिट साइड लिखिएगा, लॉन्गेस्ट साइड इसको लिखिएगा और थर्ड साइड इसको लिखिएगा, तो बड़े लंबे लंबे सेंटेंस बन जाएंगे कि मैं लिखूंगा अपोजिट साइड या लिखूंगा लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना, तो वो अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस ये तीन वर्ड
करने हमने यूज करने हैं, ठीक है। तो पोस्ट ये मैं इसको रख करूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये हमने लिखा है यहां पर कि सपोज कर लिया कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, देन फाइंड, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो क्लास टेंथ में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे इलेवेंथ वाला बच्चा तो ओरली बता देगा क्योंकि बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है, तो आप इसको कैसे करेंगे। यहां लिखा हमने कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, यही बात तो गिवन है। अब टेन थीटा मेरा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर 90° के बराबर था। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये थीटा मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एबीसी चाहे तो नाम मान ले, बिना नेमिंग के ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती, ना पढ़ी जा सकती। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी इसको मैं 3 मान सकता हूँ, बेस मेरा ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रखे हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी क्या लिखता है हमने, क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 है ये, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9+16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, एच इज इक्वल टू कितना हो गया 5, प्लस माइनस 5 हो सकता है लेकिन माइनस में कोई साइड नहीं होती इसलिए हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एच बराबर हमारा कितना आ गया, 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे से कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब बाकी बचे हुए। तो टेन थीटा मुझे दे रखा था, अब मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो ये क्या आ गया 3/5 हो गया, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होगा इस तरीके से कि बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5 है। टेन थीटा दे रखा है, कॉट थीटा की वैल्यू वैसे भी रेसिप्रोकल कर सकते थे हम इसकी, तो 4/3, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किसके इक्वल, बी अपान में पी, तो बी है 4 और पी है 3। sec थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा का उल्टा अगर आप बोल जाओ, अदरवाइज क्या लिखेंगे कि h/b और this is equal to 5/4, ठीक है। cosec थीटा किसके बराबर होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल, यानी h/p और h की वैल्यू 5 और p की वैल्यू 3, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक बात यहाँ पे समझनी है कि जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में क्या कहता है कि यहाँ 3 के लिखता है, यहाँ 4 के लिखता है, यहाँ पर 5 के लिखता है। रेशियो जब भी कंसीडर करते हैं तो हम एक्स लगाया करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 3k² 4k² 9k² इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर 5k आ जाएगा, तो यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो k न्यूमरेटर में भी होगा, k डिनोमिनेटर में भी होगा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब रेशियो होता है तो हम k लगाया करते हैं, लेकिन बिना k लगाने के बाद भी ये एकदम सही से आंसर आएगा और k लगाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो कि हमने हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन लिख लिया कि एक ट्रायंगल है एबीसी
राइट एंगल है एट बी पर, तो हमने बना लिया इसको कि राइट एंगल ट्रायंगल यही बना हुआ है, बाकी सरल रख कर देते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग देख कर रखा है कि ट्रायंगल एबीसी है और बी पर राइट एंगल है ए बी बराबर 24, तो ए बी ये 24 है और हमसे कह रहा है कि बी सी इज इक्वल टू 7, तो बी सी ये है 7 है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल दो, ये पहला पार्ट है। और दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, यानी इन चार की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें थीटा की जगह पे पहले इसने ए लिख रखा है एंगल और यहाँ पर सी लिख रखा है, तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अब ये थीटा नहीं दे रखा है, इसने पहले एंगल यहाँ पर ए मुझे कंसीडर करना है एज ए थीटा, मतलब थीटा एज एंगल ए, एंगल ए को एज थीटा कंसीडर करना है। अगर आप इसको थीटा कंसीडर करोगे तो क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपरटेन्यूज होगा, जब मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा। और जब मैं एंगल सी को कंसीडर करूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपरटेन्यूज होगा, ठीक है ना। अब चूंकि पहले मेरा काम क्या होगा कि मुझे हाइपरटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, ये हाइपरटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी कि इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, तो अभी क्या है कि ए बी का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बना, आगे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं बेटा कुछ, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर, ये क्या बन गया कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और इसका 49, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया 625 और ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, दिस इज इक्वल टू 25, तो ये मेरा क्या आ गया 25 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहां लिखा साइन ए। अब देखो ए ये एंगल है, तो अभी मैंने बताया था ना आपको, सिखाया था कि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो 7 मेरा परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज तो ये होता है, तो 7 अपॉन में और हाइपरटेन्यूज कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए किसके बराबर होगा, कॉस ए अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो बेस अपॉन में हाइपरटेन्यूज होता है कॉस, तो बेस मेरा 24 और ये 25। ऐसे और किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। अब साइन सी अगर मैं देखूं तो ये थीटा हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपरटेन्यूज और ये बेस हो गया, तो इस केस में परपेंडिकुलर के मेरा कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 25 और कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बेस अपॉन में हाइपरटेन्यूज यानी 7 अपॉन में 25। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था अपनी एनसीईआरटी बुक का, पहले वाला क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये बात कैसे हुई, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा उस चीज को। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी तरीके से डालूंगा इस पे और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो से फायदा उठा सकें। थैंक यू, जय हिंद।